नरेंद्र दाभोलकर याद है, गोविंद पंसारे याद है, गौरी लंकेश, कलबुर्गी, ये सारे वे लोग थे जो सामाजिक चिंतक थे, पत्रकार थे, समाज शास्त्री थे, लेकिन ये ब्राह्मणवाद की इतनी कट्टर मुखालफत करते थे कि पिछले एक दो सालों में इनको हत्या की गई। वैसे ही बिहार में हत्या की गई थी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, और हत्या क्यों की गई यह बात, और उस हत्या में वहां का सामंती समाज और पुलिस प्रशासन, जिसमें तभी वो उच्च वर्ग के ही लोग थे, साजिश करके बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की निर्मम हत्या करते हैं, और हत्या क्यों करते हैं उसको समझने के लिए आप बाबू जगदेव प्रसाद और उनके मिशन के, जिन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता था, मैं उनके कुछ नारों से बात करता हूं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबू जगदेव प्रसाद का एक बड़ा प्रसिद्ध नारा था, अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, कादो समझते हैं कीचड़, जिसमें खड़े होकर के घंटों घंटों तक शोषितों की महिलाएं उस कीचड़ में खड़े होकर के फसल बुआई का काम करती, और जो गौरवर्णी अपर कास्ट अपर क्लास की महिलाएं हैं वो कभी इस कीचड़ में उतर करके श्रम का जो इस्तेमाल है वो नहीं करती। तो बाबू जगदेव प्रसाद कहते हैं कि समानता तब आएगी जब सामाजिक समानता और उसमें लैंगिक समानता है। तो बाबू जगदेव प्रसाद कहते हैं, अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। बाबू जगदेव प्रसाद की पूरी लड़ाई इज्जत और रोटी की लड़ाई है। इन दो टर्मिनोलॉजी को अगर आप पकड़ेंगे तो आप पूरी सामाजिक न्याय की वैचारिकी को समझ जाएंगे। इज्जत, जो इज्जत आज भी नहीं मिल रही है, दलित को, एक पिछड़े को, जाति देख करके भेदभाव होता है कैंपसों से लेकर के गांवों तक में, तो उस इज्जत और रोटी की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई मानते थे बाबू जगदेव प्रसाद। बाबू जगदेव प्रसाद 25 अगस्त 1967 को अपना एक भाषण देते हैं जो इस किताब में आपको मिलेगा। शुरू का पहला भाषण है, समाजवाद या कम्युनिज्म की लड़ाई, शोषक बनाम शोषित की लड़ाई, और क्यों बिहार का लेनिन या भारत का लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को कहा जाता है, यह बात भी यहां से समझने वाली है। यह मुल्क 10 सैकड़ा शोषकों का एक विशाल चारागाह बन गया है। शोषकों के अखबार शोषितों के को गुमराह करते हैं। ऊंची जाति वाले लोगों ने हमारे बाप दादों से हरवाही की, मैं उनकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए पैदा नहीं हुआ। अगला कोटेशन सुनिए, यदि मार्क्स लेनिन हिंदुस्तान में पैदा होते तो 10% ऊंची जाति यानी शोषकों यानी बुर्जुआ बनाम 90% शोषित यानी सर्वहारा की मुक्ति को वर्ग संघर्ष की संज्ञा देते। कम्युनिज्म को भारत में सोशल जस्टिस की लड़ाई बताने वाले सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और पूरे वामपंथी वैचारिकी के भारतीय वर्जन में जितनी मुश्किलें हैं उसका एक जवाब देते हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। वो क्या कहते हैं अपने भाषण में, ईश्वर धर्म वेद पुराण शास्त्र और जाल फरेबी शोषक के हाथ शोषण की तलवार है। द्विज विज्ञान और बुद्धि विरोधी है। इसी पृष्ठभूमि में शोषित दल की असलियत और अहमियत को समझा जाना चाहिए। हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों पर ऊंची जाति के लोगों का कब्जा, और आज भी वो कहते हैं डीएमके को छोड़कर के पूरे देश में ऊंची जाति के लोग हर आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, हर संगठन के नेतृत्व में है। भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके शीर्ष पर द्विज बैठे हैं। तो सामाजिक न्याय की जितनी पार्टियां आई, बेशक आप सपा बसपा आरजेडी डीएमके हरियाणा का जो एआईडीएमके हरियाणा का जो लोक दल है, तमाम दल है, इनमें पहली बार द्विज यानी जो शोषक जातियां उनसे बाहर के लोग राजनीतिक नेतृत्व में आते हैं। लेकिन सामाजिक और सांगठनिक नेतृत्व में ये बार बार कहते हैं कि जिसकी पीड़ा है उसके बीच से नेतृत्व देना होगा। महिलाओं की लड़ाई पुरुष क्यों लड़े, वैसे ही शोषकों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई शोषितों के बीच के नेतृत्व से लड़ी जाएगी। कम्युनिस्टों के बारे में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा क्या लिखते हैं, वही भाषण है, कम्युनिज्म के दुश्मन ही कम्युनिस्ट हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो कम्युनिज्म के दुश्मन है वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं।
हिंदुस्तानी जार और कुलाक कम्युनिस्ट पार्टी के महंत हैं। डांगे, नंबूदरी पाद, ज्योति बसु और अन्य चोटी के कम्युनिस्ट नेता हिंदुस्तानी जार और कुलाक हैं। ये लोग न सिर्फ दिज हैं बल्कि इनमें कई लोग करोड़पति और कुछ अरबपति हैं, लखपति और करोड़पति हैं। ये सभी ये कभी सर्वहाया निशोषित के दोस्त नहीं हो सकते। मार्क्स लेनिन आज हिंदुस्तान में होते तो तमाम कम्युनिस्ट नेताओं को सर्वहारा या शोषित का दुश्मन करार देते और फिर किस तरह से वो द्विज यानी जनसंघ पर हमला करते हैं। कम्युनिस्ट नेतृत्व की तरह जनसंघ नेतृत्व भी जिले से लेकर सूबे तक और सूबे से लेकर केंद्र तक द्विजों का नेतृत्व। और आज भी देखिए आरएसएस भारतीय जनता पार्टी हर संगठन में प्रमुख कौन है। अब तो दबाव सामाजिक न्याय की राजनीति का है तो बेशक कुछ पदों पर कथित ओबीसी और दलित बिठाए गए लेकिन अंततः गिरफ्त में पूरी वैचारिकी किसके? द्विजों के। जनसंघ का नेतृत्व विशुद्ध ब्राह्मणवाद पर आधारित है। मुझे कम्युनिस्ट डांगे, नमूदरीपाद और जनसंघी अटल बिहारी वाजपेयी और बलराज मधोक में अंदरूनी तौर पर कोई फर्क नहीं आता। इनके नारे में अलग अलग है लेकिन दोनों का नेतृत्व अपर कास्ट ब्राह्मणों के हाथ में। और यहां तक कि राम मनोहर लोहिया की संसोपा की भी आलोचना बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा करते हैं और तब वो कहते हैं कि शोषित दल 90% शोषितों का राज कायम करेगा। शोषित दल का सिद्धांत है 90% शोषितों का राज, सत्ता पर कब्जा और इस्तेमाल, सामाजिक आर्थिक क्रांति द्वारा बराबरी का राज कायम करना। सामाजिक न्याय की वैचारिकी में अगर हम भूमि का वितरण, अगर हम आर्थिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं तो हम सामाजिक न्याय के साथ धोखा कर रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, ललैया, दोपेरियार, इवन मंडल कमीशन की रिपोर्ट सब में आर्थिक न्याय की बात कही है। इसीलिए शोषित दल के नीतियां वर्ग संघर्ष में विश्वास करने वाले कट्टर वामपंथी दल की नीतियां होंगी, यानी शोषित दल को असली कम्युनिस्ट दल कहते हैं। ऐसी नीतियों को बनाने और उन्हें अमल में लाने के लिए भी जरूरी है कि शोषित समाज के गरीब नेतृत्व ही इसमें आगे आए। गरीबों के लिए गरीब ही लड़ सकता है, अमीर का बच्चा कभी न सच्चा। इस बुनियाद पर गांव से लेकर दिल्ली तक शोषित इंकलाब कायम करना होगा। हम इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। 25 अगस्त 1967 बाबू जगदेव प्रसाद का भाषण है। जनसंघ के बारे में क्या लिखते हैं? आरएसएस जो आज भाजपा थी, आज भाजपा होती तो उसके बारे में लिखते हैं। शोषित आज भी द्विजों के गुलाम है। ईश्वर, देवता, पूजा पाठ, भाग्य, नक्षत्र, धर्म, ये सभी शोषितों को गुलाम बनाए रखने के लिए द्विजों के हथियार। आज तक ब्राह्मणों ने काहिल और जाहिल बनाकर रखा है शोषितों को, आगे रखने की साजिश रचना है। इसलिए इस साजिश की रहनुमाई जनसंघ कर रहा है, यानी आज की भाषा में कहें तो भारतीय जनता पार्टी कर रही। सामाजिक न्याय की वैचारिकी को आप इस धरातल पर आकर समझें तब आपको लगेगा कि आपको असल लड़ाई भाजपा से नहीं लड़नी, असल लड़ाई सामाजिक और सांस्कृतिक है। जब तक आप 90% शोषितों को ब्राह्मणवाद के चंगुल से नहीं निकाल पाएंगे तब तक आज इस जनसंघ और आज की भाजपा को हराने में नाकामयाब होंगे। और वो फिर क्या लिखते हैं मुसलमानों के लिए? दरअसल भारतीयकरण होना चाहिए हिंदुस्तान के द्विजों का और द्विज मनोवृत्ति वालों का, ब्राह्मणों, भूमिहारों और राजपूतों का, सेठों, महासेठों और पूंजीपतियों का, जो अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं करते। मुसलमान की वफादारी को चुनौती देने वाले जनसंघ की खोपड़ी वास्तव में उल्टी है। और आज भी मुसलमान को सबसे ज्यादा प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है, घोषित करना पड़ रहा है कि वे देश के नागरिक है। खुलेआम उनकी लिंचिंग, खुलेआम उनको यह कहना कि तुम विदेश चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ। आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा होते तो पूरे देश के 90% शोषितों को एकजुट करते। दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमान और महिलाएं, यह है सामाजिक न्याय। अगर हम इस वैचारिकी को आज जनता के बीच ले जाएं तो कभी दंगे न होने पाए। 10% लोग दंगे नहीं करा पाते, 10% लोग शिक्षा को प्राइवेटाइज नहीं कर पाते क्योंकि हमने तो सामाजिक न्याय की वैचारिकी को ही झोल कर दिया। शोषित दल ने तमाम दलित, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियों को शोषित माना है और अपने इंकलाबी झंडे के नीचे संगठित करने की कोशिश कर रहा है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। 19 जनवरी 1970 ये वो दौर था और उस दौर में ये बात कर रहे थे। और आज हम डरते हैं,
आज हम आरएसएस से डरते हैं, आज हम संघ से डर रहे हैं कि नहीं वो हम उससे कैसे लड़ पाए। हमारे पुरखे पुरोधाओं ने उस जमाने में मनुस्मृति जलाई, उस जमाने में तुलसी की रामचरितमानस की कॉपियां फाड़ी, और आज हम डरते हैं कि हम वैचारिक तौर पर झोल कर लें। नहीं चलेगा। आरएसएस और बीजेपी को हराना, ब्राह्मणवाद और मनुवाद से इस देश को बचाना, और यही असली राष्ट्रभक्ति है। 16 अप्रैल 1970 को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार में एक भाषण देते हैं, बिहार विधानसभा में। उस भाषण का जिक्र कर रहा हूं आपसे। 10% शोषक बनाम 90% शोषित की रोटी और इज्जत की लड़ाई वैज्ञानिक समाजवाद यानी कम्युनिज्म की असली लड़ाई है। इसलिए इन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता है। कम्युनिज्म की असली हिमायती सोशल जस्टिस के लोग हैं, और अब वो लोग जो लोहिया के साथ जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा को पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में असली वर्ग संघर्ष आर्थिक ना गैर बराबरी के आधार पर नहीं, सामाजिक गैर बराबरी के आधार पर है। यही हिंदुस्तान का मार्क्सवाद लेनिनवादी वर्ग संघर्ष है। यही कम्युनिज्म की लड़ाई है। जो इस विश्लेषण को नहीं मानता वह न तो क्रांतिकारी है न कम्युनिस्ट। अगर आज आप जाति की बात करने पर जातिवादी कहते हो, और कम्युनिस्ट होने के बाद भी आप अगर जाति के सवाल को एड्रेस नहीं करते तो आप कम्युनिस्ट नहीं है। हम आरएसएस से कैसे गए? आरएसएस तो जातिवादी, घोर जातिवादी, उसी से तो लड़ना। शोषित समाज दल 90% शोषितों का एक एक एकमात्र दल बनना चाहता है। जीवन के सभी सार्वजनिक अंगों पर ऊंची जाति का कब्जा है। सरकारी यंत्रों पर ऊंची जाति का कब्जा है। 22 साल की आजादी के बाद 3 पंचवर्षीय योजनाओं के अमल और समाजवादी घोषणाओं के बाद हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियां ऊंची जातियों की गुलामी करने को मजबूर है। आज हमारे नेता ये भाषा ही नहीं बोलते। वास्तव में आज का भारत 10% द्विजों का भारत है। इसको 90% शोषितों का हिंदुस्तान बनाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सभी सरकारी महकमों पर ऊंची जाति का कब्जा है। फिर वो एक आंकड़ा देते हैं कि हमारे सर्वेक्षण के मुताबिक कृषि विभाग के प्रथम श्रेणी के 133 अफसर हैं, जिसमें 11 शोषित हैं, 90% लोगों में 11, और इस तरह तमाम आंकड़े देते हैं। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के आंकड़े देते हैं, और जब हम पिछले साल रोस्टर की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी हमने आंकड़े दिया था ना कि आज भी 496 कुलपतियों में से 36 ओबीसी, 6 एससी, 6 एसटी छोड़ करके 450 द्विज जातियों के। जुडिशरी में कितने लोग हैं? ये जो नारा है ना, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय, इसमें हम बराबरी की बात कर रहे हैं। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा था। ये 1970 में शंभूक के नाम से छद्म पत्र भी लिखते हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और ये कहते हैं कि मार्क्स कैपिटल लिखते मर गया, लेकिन वो ब्राह्मणवाद जो किस तरह से हिंदुस्तान में 20,000 आईएएस और आईपीएस हैं, जिनमें करीब 16,000 ब्राह्मण हैं। आज कितने ब्राह्मण है, इसीलिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। बाबू जगदेव प्रसाद का कुशवाहा का एक इंटरव्यू लेता है इतिहास, रूसी इतिहासकार पाल गार्ड लेबिन। वो इनसे पूछते हैं कि आप कम्युनिस्ट नहीं है? तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं क्योंकि नहीं हूं, क्योंकि डांगे, नंबुदरी पा, ज्योति बसु, पीसी जोशी, चंद्रशेखर सिंह और इंद्रदीप सिंह जैसे कुलाक पार्टी में भरे हैं, और ऐसे ही लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। इसलिए मेरे जैसा आदमी कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं हो सकता। ये सब अमीर हैं, ऊंची जाति के और करोड़पति हैं। आज भी अगर हम ये इस तर्क को माने तो असल मानी में सामाजिक न्याय का कोई दल बचा नहीं। बाबू जगदेव प्रसाद से पूछा गया एक इंटरव्यू है, डॉक्टर एफ टॉमसन 1970 में लेते हैं, तो उनसे पूछा गया कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा कि सरकारी, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरियों में 90% शोषितों के लिए 90% जगहें सुरक्षित कर दूंगा। मतलब आप समझते हैं, 90% रिजर्वेशन, और हमारी आंखों के सामने संविधान की मूल भावना की हत्या करता हुआ 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया, और तमाम पार्टियां उनका समर्थन कर रही थी। इतिहास माफ करेगा क्या उन्हें? विरोध नहीं हो पाया। कहां तो लड़ाई सामाजिक न्याय की 100 में 90 की हिस्सेदारी मांगने की थी। और न तो आज आम जनता, न तो आज दलित, पिछड़े, आदिवासी,
कम्युनिटी के आम लोग अपने हक को समझ पा रहे हैं और न उनके पॉलिटिकल पार्टियां। दरअसल विडंबना यह है कि चुनावी राजनीति में वैचार की हार जा रही है। उन्होंने कहा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं, 100 में 90 जगह शोषितों के लिए हर जगह सुरक्षित कर दूंगा, आरक्षित कर दूंगा, उससे नौकरशाही पर हमारा कब्जा हो जाएगा, जिसके जरिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इंकलाब यानी बड़े बड़े काम आसानी से कर सकेंगे हम। और दूसरे जिन राजनीतिक दलों के नेतृत्व में 10% से ज्यादा भी ऊंची जाति के लोग रहेंगे, उन राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देंगे। आज की कम्युनिस्ट पार्टियां पूरा एक मुस्त ब्राह्मणवादी एक जाति का नेतृत्व किए हुए हैं, और आप कहते हैं कि जाति मत देखो, काम देखो। ये सवाल बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा उठाते हैं कि 90% जनता की इच्छा की काम करना। फिर ये इंटरव्यू लेने वाला उनसे पूछता है कि आप तो 90% जनता की तानाशाही की बात कर रहे हैं। तो जगदेव बाबू कहते हैं, नहीं, मैं 90% जनता के अगर हित की बात कर रहा हूं तो जिस बात में 90% जनता का हित हो वो तानाशाही नहीं, वही असली लोकतंत्र है। और आज 10% अपर क्लास अपर कास्ट पुरुषों से यह देश पूरा नचाया जा रहा है। मदारी सत्ता में बैठ करके कभी CNRC के विरोधियों को उठा ले जा रहे हैं, कभी आपका आरक्षण छीन रहे हैं, कभी पिछड़ी जाति के लोगों को हिंदू बना रहे हैं, कभी वनवासी बना रहे हैं आदिवासियों को, और आपका हक छीन करके आपको ही समझाने में सफल हो गए कि आप हिंदू हैं। और आपने सामाजिक न्याय के वैचारकों को पढ़ना तक कबूल नहीं किया। पढ़िए, OBC जाति के हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और वो सबकी एकाकी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि किस तरह से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की नौकरियों और शिक्षा, शिक्षा को कहते हैं प्राइवेट एजुकेशन नहीं, सरकारी शिक्षा, राष्ट्रपति हो या मजदूर की संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज की सामाजिक न्याय की विचार की अगर शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ न लड़ पाए तो फिर किस बात के आप सामाजिक न्याय? आपके बच्चे अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो लड़ कैसे पाएंगे? और फिर आप हिंदू बनकर के लिंचिंग में जाइए। मुसलमानों के लिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा क्या लिखते हैं, हिंदुस्तानी शोषित दल की निगाह में हरिजन आदिवासी पिछड़ी जातियों की तरह मुसलमान भी शोषित हैं। रहे होंगे कभी शासक, लेकिन आज जिंदगी के हर दौर में मुसलमान पीछे ढकेले जा चुके हैं। मुसलमानों की जमीन छीन ली गई, उनके रोजगार का दायरा सिकुड़ चुका है। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते और हर दिन मुसलमान कत्लेआम के शिकार होते हैं। ये हिम्मत है सामाजिक न्याय के लोगों के कहने में, ये तेवर है कि दंगे में सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय तो वंचितों की, शोषितों की एका में, श्रमजीवियों की एका में, कमेरे जाति की एका में है। तो ओबीसी जातियां ब्राह्मणवाद के हाथ में खेल करके दंगे में शामिल हो रही। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कह रहे हैं कि सचमुच आज मुसलमान चौराहे पर खड़े हैं। हिंदुस्तानी शोषित दल मुसलमानों की परेशानी को समझता है और उनको इंसानी हक और बेहतर जिंदगी हासिल करने के लिए नई तरकीब से वो आगे काम करना चाहता है। और हिंदुस्तान में उर्दू यानी भारत की दूसरी सबसे बड़ी जबान उर्दू को वो कह रहे मुसलमानों के साथ खत्म होती जा रही। मैं शोषित इंकलाबी कामयाबी के कार्यक्रम पढ़ रहा हूं और खत्म करूंगा, लेकिन आखिरी में जाते जाते बहुत गंभीर बातें आपसे साझा कर रहा हूं। पहला कार्यक्रम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, 90% शोषितों के लिए सभी तरह के सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में 90% जगह सुरक्षित की जाए, 90% आरक्षण। आज तो लोग जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले हैं आरक्षण का नाम नहीं लेते। दूसरा अब लक्ष्य, उक्त लक्ष्य की प्राप्ति से पहले यानी दलित और आदिवासी के लिए नौकरियों में जो स्थान सुनिश्चित है उनको भरने के लिए अलग केंद्रीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग गठित किए जाएं, जिनके सदस्य और पदाधिकारी उसी वर्ग से आए। आज ब्राह्मण बैठ करके ओबीसी का इंटरव्यू लेता है, सारे ब्राह्मण बैठ करके उसमें एक ऑब्जर्वर बिठा देते हैं, कैसे? तीसरा, जो पाखाना पेशाब साफ करने की प्रथा मनुष्य के द्वारा खत्म की जाए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पद, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, ये तेवर उस जमाने में था, आज हम में नहीं है, हम निकम्मे हो चुके हैं वैचारिक रूप से। चौथा लक्ष्य है इंकलाबी शोषित जमात का, जनसंघ जैसे सांप्रदायिक दलों और राष्ट्रीय सेवक संघ जैसे सामाजिक संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया जाए।
आरएसएस और भाजपा पर बैन लगाया जाए। ये है तेवर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का। ऐसे संगठनों को खत्म किए बगैर शोषित जनता की इज्जत और रोटी की लड़ाई कामयाब नहीं हो सकती। आज तो उन्हीं का राज आ गया और उनके ना उनके आख उनके राज को हटाने के नाम पर हम वैचारिक दरिद्रता और समझौता कर रहे हैं। क्या वैचारिक दरिद्रता समझौता से हम लड़ाई जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। पांचवां, उर्दू को सरकारी जबान बनाई जाए। छठवां, 5 साल के अंदर हर खेत और हर घर को मुफ्त पानी और बिजली दी जाए। एक आदमी एक पेशा लगाया जाए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पद्धति लागू की जाए, यानी शिक्षा पर बल है सामाजिक न्याय का। सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने की उम्र खत्म की जाए। विदेशी उद्योगों, बैंकों, चाय, कॉफी बैगानों का, खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये मांग आप देखेंगे कि आजाद हिंदुस्तान में सब सामाजिक न्याय के लोगों का है। यह है आइडिया ऑफ इंडिया, यह है मुकम्मल ढंग से इस देश को बनाने का विचार। हमारे दलों ने इस विचार को नहीं माना, हमारे दलों ने इसको नहीं किया, इसलिए हम इससे कमजोर हो गए। 15 मई 1974 को क्या मांग की थी? अनिवार्य और समान शिक्षा लागू की जाए। डॉक्टर अंबेडकर का सारा साहित्य प्रदेश के दलित आदिवासियों छात्रावासों और पुस्तकालयों में रखे जाए। भ्रष्टाचार, बेकारी, महंगाई दूर करने के लिए बात की जाए। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दो। आज तो पिछड़े वर्ग का ही आरक्षण सबसे ज्यादा छीना जा रहा है। जब शोषित समाज दल का गठन होता है तो वो क्या बोलते हैं? इस नारे और स्लोगन को याद रखिएगा, ये आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। मैं आज 100 वर्षों की लड़ाई की नींव डाल रहा हूं। यह एक क्रांतिकारी पार्टी होगी जिसमें आने और जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी। दूसरा कोटेशन, वो बाबू जगदेव प्रसाद जब भाषण देते थे तो वो अपनी उंगलियों को ऐसे करते थे और कहते थे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पूंजीपति और शूद्र सबसे नीचे, ये सब ऊपर हो गए और इसका शोषण कर रहे हैं। वो कहते थे हमें इस पूरे तंत्र को उलट देना है और कहना है शूद्र ऊपर हो जाएगा, बाकी सब नीचे। ये शैली थी आम बोलचाल की भाषा में। 1922 में जन्म हुआ था 2 फरवरी को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का। मां का नाम रासकली देवी और पिता प्रयाग नारायण। और इंटरव्यू देने गए थे बिहार लोक सेवा आयोग में तो इनसे कहा गया कि साग सब्जी बेचने वाला कुशवाहा अब डिप्टी कलेक्टर बनेगा। उन्होंने डिप्टी कलेक्टरी का इंटरव्यू को लात मारी और उनके साथ भोला सिंह भी बाहर आ गए। पटना सचिवालय में कुछ दिन नौकरी की और फिर उसके बाद बाहर निकले। 3 बार मंत्री रहे और 1 बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे। उस समय त्रिवेणी संघ और सहजानंद का किसान आंदोलन चल रहा था। और फिर वो एक वाक्या मिलता है जहां 1967 में जगदेव बाबू ने बिहार विधानसभा चुनाव में संयुक्त सपा के उम्मीदवार के रूप में कुर्था से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ से पहली बार जहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री के चयन पे तमाशा हो गया और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री पद को जिसने हराया है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को, वो मुख्यमंत्री बनेगा और महामाया प्रसाद सिन्हा को 5 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद मैंने पहले भी जिक्र किया कि अर्जक संघ के बाद समाज दल और शोषित दल मिला करके शोषित समाज दल का नारा बुलंद करके लगातार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आंदोलन करते हैं। फिर दिन आता है 5 सितंबर 1974 का। जगदेव प्रसाद पूरे देश में किसानों के आंदोलन का एक आह्वान हुआ होता है। जगदेव प्रसाद कुर्था यानी आज के गया जिले में था, जो अब अरवल में है, प्रखंड में कार्यालय के सामने हजारों किसान मजदूरों के साथ, अपने दल के संगठन के साथ किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और उसी समय सामंतों, पुलिस और तमाम ऊंची जाति के उन लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और उस समय जब हत्या की जा रही होती है,
उस समय नारा उस भीड़ का लग रहा था, बिहार लेनिन जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है, इंदिरा तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए। इन नारों के बीच अचानक गोली चलती है और बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मार दिया जाता है। पुलिस उन्हें खींच करके वापस ले जाती है थाने में और बड़ी बेरहमी से उनके साथ, उनके मृत शरीर के साथ भी अत्याचार किया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति बिना लाग लपेट के ब्राह्मणवादी मनुवादी हेजमनी के गढ़ में घुस करके पूरे तेवर के साथ लड़ाई कर रहा था और उसकी मौत इतनी दर्दनाक होती है। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, जीत अंततोगत्वा हमारी होगी, जो जो खेत को जोते बोए वही खेत का मालिक होए। अब की सावन भादो में गोरी कलैया कादो में 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। सामाजिक न्याय की वैचारिकी को समझें, बारीकी से अध्ययन करें और तब देखें कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला, यह सब मिला देंगे तो आज के हमारे सवाल सुलझेंगे। आज हम शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आज जेंडर जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं ना, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आज जल जंगल जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा है, संपत्ति के असमान वितरण के लिए लड़ना पड़ रहा है, यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आज दंगों में देश झुलस रहा है, एक धर्म विशेष यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मुसलमान को जिस दिन आप शोषित यानी 90% में मानेंगे, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी। दंगे रुक जाएंगे, लैंगिक भेदभाव रुक जाएगा, आर्थिक गैर बराबरी रुक जाएगी, सबको शिक्षा और सबको काम मिलेगा और फिर वह भारत बनेगा जो संविधान का भारत है। इसलिए मनुस्मृति को आग लगाने वाले, रामायण और रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाला जो तेवर था, वह तेवर आज के सामाजिक न्याय की वैचारिकी में नहीं है। हम समझौता परस्त हो गए हैं, हमारी राजनीतिक दलों में आत्मविश्वास नहीं है, वो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और जो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जो सामाजिक न्याय के बुद्धिजीवी हैं, वो जनता से दूर हो गए। तो जनता आज कर्मकांड में फंसी है, बुद्धिजीवी आज अपने को जनता से जोड़ने में फेल है और चुनावी दल चुनाव और सत्ता पाने के गठजोड़ में फेल है और सब में यह फेल हो रहा है संविधान और सामाजिक न्याय। इसलिए सामाजिक न्याय की वैचारिकी को समझने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, राम मनोहर लोहिया, कांशी राम, फूले, पेरियार, अंबेडकर, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा को एक करके पढ़िए। 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, लेकिन देश को बचाना और वैसा बनाना जैसा सामाजिक न्याय चाहता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सामाजिक न्याय की पाठशाला से जुड़ करके आपको कुछ नए तथ्य मिले होंगे, नई चीज मिली होगी। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैंने इन दोनों नायकों, राष्ट्र नायकों के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन इतना जरूर बताया है कि आपके मन में उत्सुकता हो, खोजें, पढ़ें और इस देश को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सामाजिक न्याय की पाठशाला से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।